चलिए अब आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये चार कंपाउंड्स गिवन हैं और आपको इन चारों कंपाउंड्स को उनकी एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और एक मिनट का समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। यदि आप इन चारों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर फर्क केवल फ्लोरीन ग्रुप का है और उसकी पोजीशन का है। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसीलिए यह कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और हमने जीओसी वाले चैप्टर में यह पढ़ रखा है कि एसिड की एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर कंपाउंड बी, सी और डी में माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी एसिडिटी ए से ज़्यादा होगी जिसमें ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर हम कंपाउंड बी और कंपाउंड सी में देखें तो दोनों में एक एक फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फ्लोरीन ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। कंपाउंड बी में फ्लोरीन ग्रुप सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, वहीं कंपाउंड सी में फ्लोरीन ग्रुप थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है। और हमने यह पढ़ रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगता है, या फिर कहें इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से कंपाउंड सी की एसिडिटी कंपाउंड बी से कम हो जाती है। अब अगर हम कंपाउंड बी और कंपाउंड डी को कंपेयर करें तो कंपाउंड डी में दो फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है जबकि कंपाउंड ए में एक ही फ्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो कंपाउंड डी में ज़्यादा फ्लोरीन ग्रुप होने के कारण यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा और इसकी एसिडिटी कंपाउंड बी से ज़्यादा होगी। तो फाइनली हमें एसिडिक नेचर का कुछ यह ऑर्डर मिल जाता है, जिसमें ए सबसे कम एसिडिक, फिर सी, फिर बी और कंपाउंड डी सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। आई होप आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ गए होंगे।